हमारे देश की जो वैज्ञानिक जानकारी है, वैज्ञानिक हमारी बहुत सारा ज्ञान विज्ञान हमारे देश में छिपा है, धीरे धीरे इसके बारे में लोगों को पता चल रहा है। अब ये भी माना जाने लगा है कि हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति दरअसल उससे कहीं ज़्यादा पुरानी है जितना पहले लोग समझते थे। जो रेडियो कार्बन डेटिंग हमारी प्रयोगशाला में और दूसरे स्थानों पर की गई है, उससे भी इस बात को अब पुष्ट किया गया है कि हमारी जो सभ्यता है वो कहीं अधिक पुरानी है। इस सब के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो उनके नज़रिए में भी अब हमारे देश की स्थिति थोड़ी सी बदल रही है। ये सच है कि इसका एक कारण है हमारे देश की आर्थिक समृद्धि, लेकिन दूसरा कारण यह है कि नई नई जानकारियों के, नई नई वैज्ञानिक खोजों के बाद ये लगने लगा है कि शायद हमारे देश का इतिहास गौरवमय था, निश्चित रूप से उससे कहीं अधिक गौरवमय जितना अंग्रेज लोग चाहते कि लोग इसको माने। इस सब के साथ हमारे देश के प्रति जो दृष्टिकोण है दूसरे देशों का, वो पहले से कहीं अच्छा हो रहा है। और ये जो कार्यक्रम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैस कम्युनिकेशन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है कई संस्थाओं के द्वारा मिलकर, उसका एक मुख्य उद्देश्य है इस बात को उभार कर सामने लाना कि हम किस तरह से अपने देश की इस बदलती हुई तस्वीर को देखते हैं, दूसरे देश किस तरह से हमारे देश के इस बदलती हुई तस्वीर को, बदलते हुए रूप को देखते हैं। तो इसके बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें तो हम देखें कि हमारे देश में आयुर्वेद का बहुत महत्व था। आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ ही वर्षों में आयुर्वेद कितना लोकप्रिय हुआ है, जबकि सच्चाई यह है कि आयुर्वेद हमारे इस पूरे विश्व के सबसे पुराने विज्ञान में से एक था। एक बहुत बड़ी दुर्घटना ये हुई, हम कह सकते हैं कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा मात्रा में ऐसा ज्ञान विज्ञान था, ऐसा साहित्य था जो पुस्तकालयों और लाइब्रेरीज के जलने के साथ साथ समाप्त हो गया। कुछ हमारे मन में ये कूट कूट कर भर दिया गया 150-200 साल के विदेशी शासन में कि हम लोग हीन हैं, और हम लोग काफ़ी समय तक उसी हीन भावना की ग्रंथि के शिकार रहे। लेकिन आयुर्वेद का पुनर्जागरण, आयुर्वेद का फिर से एक बार आना इस बात का प्रमाण है कि हम इस बात को मानने लगे हैं कि हमारे देश में बहुत सारी ऐसी जानकारी थी जिसका हम उपयोग नहीं कर रहे थे। हम पिछले कुछ वर्षों में देखें तो ऐसे कई अब उद्योग हैं जो बहुत समृद्ध हो गए हैं, हजारों दसियों हजार करोड़ का वो व्यापार आज कर रहे हैं आयुर्वेद के आधार पर। आयुर्वेद एक कंप्लीट होलिस्टिक पद्धति है अपने को निरोग रखने की, अपने को स्वस्थ रखने की और दीर्घ जीवन के लिए, और इसका फिर से लोकप्रिय होना एक बहुत अच्छा संकेत है। लेकिन कुछ वर्ष पहले तक लोग इस पर विश्वास नहीं करते थे। जो अल्टरनेट दूसरी धाराएं हैं चिकित्सा की, उन पे लोगों का ज़्यादा विश्वास था। इसी तरह से अगर हम बात करें, योग पिछले कुछ वर्षों में पूरे विश्व में बहुत अधिक लोकप्रिय हुआ है, और इसका प्रभाव ये हुआ है कि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति पहले से कहीं अधिक कॉन्शियस हो गए हैं, उसके बारे में सोचते हैं। अब हम योग दिवस मनाते हैं, हम ही नहीं पूरा विश्व योग दिवस मनाता है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें हमारा विश्वास पहले के मुकाबले अधिक दृढ़ हुआ है, और इससे हमें और हमारे समाज को निश्चित रूप से लाभ होगा। लेकिन कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनको अभी सिद्ध नहीं किया गया है। तो एक हमारे सामने बड़ा संकट आता है कि एक ओर हम बात करते हैं अपनी उन पुरानी परंपराओं की जो गौरवमय हैं, जो बहुत अच्छी हैं, जो हमारे लिए लाभप्रद हैं, और उनका पालन हमें किया जाना चाहिए। लेकिन उनके ही साथ ऐसी बहुत सारी और बातें हैं जो शायद या तो सही नहीं है या उनको अभी सिद्ध नहीं किया जा सकता है कि वो सही है। तो यहाँ पर आकर हमारे सामने संकट आता है कि हम किस बात को माने और किस बात को न माने, और यहाँ पर हमारे वैज्ञानिक सोच या साइंटिफिक टेंपर की बात आती है। जैसे मैंने अभी कहा कि आयुर्वेद को अब वैज्ञानिक रूप से माना गया है कि ये हमारे लिए अच्छा है तो इसे माना जाना चाहिए। योग हमारे स्वास्थ्य को लाभ पहुँचाता है, इसको अगर हम फॉलो करेंगे, इसको हम मानेंगे, इसका अभ्यास करेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। लेकिन कुछ ऐसी बातें जिनको अभी सिद्ध नहीं किया गया है, मेरे ख्याल से उन पर परीक्षण किए जाने की आवश्यकता है। जो कमी मैं देख रहा हूँ वो ये है कि लोग या तो पुरानी बातों को बिल्कुल तिरस्कार के योग्य समझते हैं, या ये मान लेते हैं कि वो बहुत ही सेक्रेड हैं, बहुत ही पवित्र हैं, और उन पर प्रश्न भी नहीं किया जाना चाहिए। ये दोनों जो हैं चरम एटीट्यूड्स हैं, दो एक्सट्रीम एटीट्यूड्स हैं, और इन दोनों में से कोई भी सही नहीं है। हमें वैज्ञानिक रूप से चीज़ों का परीक्षण करना चाहिए, उसके बाद उनको मानना या न मानना चाहिए। ये जो कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, इसमें हमारे कृषि के क्षेत्र की बात हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात हो, या अन्य कुछ क्षेत्रों की बात हो, इन सब के बारे में विचार किया जा रहा है। लोग अपनी बातें बता रहे हैं, अपने अनुभव और अपने शोध के आधार पर जिन निष्कर्षों पर पहुँचे हैं,
उनको बाकी सब लोगों के साथ साझा कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं कि इनमें से किन बातों को हम माने और कौन सी ऐसी बातें हैं जो अब हम लोगों को और उत्साह के साथ बता सकते हैं। और हम कहेंगे कि इससे हमारे देश की जो एंशियंट नॉलेज है, जो एंशियंट विजडम है, इसका प्रचार प्रसार और होना चाहिए। एक बात मैं ये भी बता दूँ कि हर बात जो पुरानी है वो गलत नहीं है, हर बात जो पुरानी है वो सही नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम तीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, एक है सूचना या इन्फॉर्मेशन, दूसरी है ज्ञान यानी नॉलेज, और तीसरी है जिसको हम कहते हैं विजडम या समझदारी या ऐसी बात जो इन दोनों से ऊपर उठता है। सूचना बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारी जानकारी, बहुत सारे आंकड़ों का संग्रह है जो ऑर्गेनाइज नहीं है। जब हम इनको एक व्यवस्थित रूप में, एक ऑर्गेनाइज रूप में रख देते हैं तो ये नॉलेज या ज्ञान बन जाता है। लेकिन जब हम इसको सिंथेसाइज करते हैं, इसको हम समझते हैं, उससे निष्कर्ष निकालते हैं, उस पर जब हम पहुंचते हैं उसे हम कहते हैं विजडम। तो यहाँ पर हम जो हम बात कर रहे हैं आज के इस और कल जो हुआ था इस कार्यक्रम में, हम बात विजडम की कर रहे हैं, केवल जानकारी की, केवल ज्ञान की या केवल सूचनाओं की नहीं कर रहे हैं। जैसे कहा गया है कि हम अगर इस बात को जानते हैं कि टमाटर एक फल है, एक फ्रूट है, तो ये ज्ञान है। लेकिन अगर हम इसे हम फ्रूट सलाद में डाल दें तो ये गलत बात होगी, वो विजडम नहीं होगी। तो विजडम में और नॉलेज में हमें भेद करना समझना चाहिए।